morning students, now we take question number 1 today. Question number 1, if log under root x square plus y square which is equal to tan inverse y by x, show that dy by dx is equal to x plus y divided by x minus y. ये उन्हें प्रूव करना बच्चों, तो करते हैं question 1, we have log x square plus y square. सबसे पहले यहाँ बच्चों ये अंडर रूट मीन क्या होता है कि पावर 1 by 2, इसे एक्सपोनेंट की पावर के रूप में लेंगे बच्चों, तो अंडर रूट मीन होता है कि पावर 1 by 2 इज इक्वल टू टैन इनवर्स y by x 1 by 2. अब यहाँ लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी बच्चों हमने यहाँ लगा लिया, 1 by 2 जो है ये log के आगे आ जाएगा, 1 by 2 इंटू log x square plus y square इज इक्वल टू टैन इनवर्स y by x log इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. बच्चों 1 by 2 है, राइट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा राइट हैंड वाली टर्म से. लॉग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टैन इनवर्स वाई बाय एक्स. अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि बच्चों ये क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन है ये. ओके, इम्प्लीसिट फंक्शन हम यहाँ कर रहे हैं, कल भी हमने इम्प्लीसिट फंक्शन से रिलेटेड सम किए हैं और आज हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन ही चल रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या दोनों वेरिएबल साथ साथ चलेंगे यहाँ पर, चाहे वो सम के रूप में हो एक्स वाई या प्रोडक्ट के रूप में हो या क्वोशेंट के रूप में हो, डिफरेंस हो जो भी है बच्चों, दोनों पैरेलल साथ साथ चलेंगे. हाँ जी, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जब दोनों ही वेरिएबल साथ साथ चलते हैं बच्चों तो वो क्या होता है, उसे कहेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन. तो सबसे पहले देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हाँ जी, तो लॉग के बच्चों, तो लॉग वाला जो होता है डायरेक्टली आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, जो लॉग का फंक्शन होता है वो क्या 1 बाय आएगा बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब जो लॉग का फंक्शन है उसका डायरेक्टली करें यहां पर, नेगेटिव बाय dx into x square plus y square. लॉग का फंक्शन क्या, x square plus y square is equal to 2 tan inverse x का डायरेक्टली क्या होता है बच्चों, 1 by 1 plus x square यहां पर. ओके, तो यहां पर एंगल क्या है, y by x, तो x का स्थान पर क्या पुट करेंगे, y by x square हो जाएगा. और फिर एंगल का डायरेक्टली करेंगे, एंगल क्या है, y by x, नेगेटिव डायरेक्टली y by x. अब यहाँ देख बच्चों, देखिए हाँ जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू, अब एक्स स्क्वायर होता है 2x प्लस वाई स्क्वायर होता है 2y और y का dy बाय dx. ओके बच्चों, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, हाँ जी, यहाँ देखिए यहाँ से जो डिवाइड के डिवाइड है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बच्चों क्योंकि डिवाइड के 2 टाइम डिवाइड के डिवाइड तो ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू, और यहाँ पर बच्चों क्वोशेंट फॉर्म लग जाएगी, क्वोशेंट फॉर्म u / v फॉर्म लग जाएगी, एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ क्या बच्चों, साइड फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. ओके, यानी कि v v का एक्स क्या है, v का एक्स है, एक्स का होता है 1 डेरिवेटिव. ओके बच्चों, हाँ जी, अब उसके यहाँ निकालना है एक्स स्क्वायर. अब सबसे पहले यहाँ देखिए आप, इसको निकालने के लिए हमारे पास ये यहाँ भी है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स. ओके बच्चों, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ भी 2 है, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ से, तो ओके, तो डिवाइडिंग करते हैं बच्चों 2 से बोथ साइड. ओके हाँ जी, तो एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ देखेंगे एक्स डीवाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए एक्स डीवाई डी एक्स माइनस वाई माइनस वाई. और यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ये दिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभी कैंसिलिंग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या है देखो एक्स के प्लस वाई स्के, और यहाँ भी क्या है, आप यहाँ देख रहे हो एक्स के प्लस वाई स्के, दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे आपके, और हमारे पास यहाँ 2 कॉमन है यहाँ से, और यहाँ भी क्या है देखो, यहाँ भी 2 कॉमन है बच्चों, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म आएगी कैंसिलिंग के बाद एक्स प्लस वाई डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू, अभी हम एक्स यहाँ देखो एक्स डिवाइड डी एक्स माइनस वाई बन जाए वाई, हाँ जी, और हमारे पास बच्चों एक्स स्क्वायर यहाँ देख रही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और हमारा डीवाई, अब यहाँ देखिए बच्चों यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों टर्मों से, लेफ्ट और राइट दोनों टर्मों से क्या कंबाइन नहीं लेंगे, डीवाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, और बच्चों जब लेफ्ट हैंड आएगा तो ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, एक्स यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, डी वाई डी एक्स कॉमन है बच्चों, और यहाँ पर राइट हैंड साइड जो टर्म आई ये माइनस का वाई बच्चों, और ये प्लस का एक्स है, राइट हैंड जाएगा तो ये भी माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों से, क्योंकि दोनों टर्म माइनस किया है, तो माइनस इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा बच्चों. ओके, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगी, प्लस का साइन आ जाएगा बच्चों. अब हमें निकालना है डीवाई डी एक्स, अब डीवाई डी एक्स यहाँ देखिए के साथ मल्टीप्लाई किया वाई माइनस एक्स, तो ये राइट हैंड जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस ऑलरेडी पहले कॉमन है बच्चों, एक्स प्लस वाई अभी देखो माइनस बच्चों, यहाँ क्या करेंगे यहाँ से और माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस का बन जाएगा प्लस वाला, प्लस का बन जाएगा माइनस वाला, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, या आप ऐसे कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस है तो ये माइनस का, और ब्रैकेट ओपन करने पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस का एक्स हो जाएगा माइनस का वाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई. ओके बच्चों, इस प्रकार से हम अपना आंसर निकाल लेंगे, इनके क्वेश्चन प्रूव कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए यहाँ पर, इफ साइन इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी, सी कॉन्स्टेंट है बच्चों, तो देन प्रूव दैट हमने डेरिवेटिव निकालना है विच इज इक्वल टू वाई बाई एक्स के. वी हैव हमारे पास इक्वेशन क्या है, हाँ जी, ये हमारे पास देखो इम्प्लीसिट इक्वेशन यहाँ पर दी गई है. इम्प्लीसिट इक्वेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी.
हाँ जी, अब यहाँ देखो बच्चों, ये साइन इनवर्स है, रेटिंग जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा साइन सी, और करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हाँ जी, यहाँ तो कोई यहाँ पर लगी जो क्वेश्चन फोर यू बाई वी फोर लग जाएगा, यहाँ पर वी का स्केयर वी एज इट इज डेरिवेटिव यू माइनस, हाँ जी याद बच्चों, यू एज इट इज डेरिवेटिव वी, और सी साइन सी क्या कॉन्स्टेंट बच्चों, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव होता है जीरो होता है, इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू, यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं टू कॉमन है यहाँ को, और यहाँ भी क्या है टू कॉमन है, तो दोनों से टू कॉमन ले लेंगे बच्चों, राइट हैंड जाएगा तो जीरो बाई टू होता है जीरो होता है बच्चों, जीरो को टू से डिवाइड करें तो आंसर जीरो आएगा। और यहाँ देखिए ये जो डिवाइडेड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर है, बी का स्केयर था, ये भी राइट हैंड जाएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर इस आल्बे जीरो होता है। ओके, तो हमारे पास क्या है सोल्व करने के बाद कॉमन लेने के बाद ओके और फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ से टू कॉमन आ गया था डिवाइड तो बच्चों, और ये जाकर के यहाँ भी टू कॉमन था ओके, तो पूरा यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और ये इसके लिए राइट हैंड साइड जो कि जीरो बन जाएगा ओके बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू, यहाँ भी टू ऑलरेडी पहले मैंने बताया कॉमन ले लिया था, यहाँ से भी एक्स प्लस वाई डिवाइड एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ आप देख बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर को, एक्स मल्टीप्लाई किया हाँ जी, फिर माइनस, अभी आप यहाँ देख रहे हो यहाँ भी हमने क्या किया है एक्स, क्या देखो एक्स को इससे एक बार एक्स के प्लस वाई स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार देखो एक्स के माइनस वाई स्क्वायर को इससे भी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार प्लस वाई टर्म को एक बार माइनस वाई टर्म को दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ओके, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा वाई, याद रखिए ये बच्चों माइनस का है तो राइट हैंड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, वाई इंटू और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई है और इससे मल्टीप्लाई है ओके, तो डिवाइड एक्स वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड दे जाएंगे जो कहेंगे जो कि प्लस की हो जाएगी ओके, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया था क्योंकि यहाँ भी डिवाइड एक्स और यहाँ भी डिवाइड एक्स, तो दोनों टर्म को सामने वाले बाहर कॉमन ले लिया यहाँ से ओके, हाँ जी कॉमन लेने पर फिर यहाँ इसके साथ डिवाइड एक्स एस के साथ डिवाइड एक्स लेके आ सकता नहीं है क्योंकि दोनों से ऑलरेडी मैंने बाहर कॉमन ले लिया डिवाइड एक्स और वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बच्चों आपको पता है माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, हाँ जी यहाँ तो वाई या तो ये माइनस का बच्चों तो राइट हैंड जाएगा ये प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस निकलेगा बल्कि राइट हैंड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, वाई की मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से और डिवाइड एक्स कॉमन आ गया हमारे पास ओके, दोनों से हमारा कॉमन आ गया बच्चों ये, हाँ जी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स के एक्स क्यूब आएगा प्लस फिर वाई स्क्वायर एक्स आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, हाँ जी एक्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हाँ जी इसको किया तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और इनटू में क्या बच्चों डिवाइड dx, इसको सिंपलीफाई किया बच्चों, यहाँ सिंपलीफाई करने पर आपको पता बच्चों कि x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका, हाँ जी हमारा एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर तो टू एक्स वाई स्केयर आ जाएगा, और यहाँ बच्चों देख रहे हो वाई क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा टू, हाँ जी क्योंकि वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टू वाई एक्स स्केयर हो जाएगा बच्चों ओके, और आपको पता है मल्टीप्लाई तो बच्चों क्या हो जाएगा देखो ये डिवाइड एक्स इक्वल टू ये मल्टीप्लाई तो बच्चों क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा टू एक्स वाई स्केयर डिवाइड बाई टू वाई एक्स स्केयर टू से टू कैंसिल, हाँ जी एक पावर बच्चों कैंसिल हो जाएगी एक्स की एक वाई की कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पावर क्या है वाई स्केयर है तो एक वाई बचेगा, यहाँ पर एक्स स्केयर है तो यहाँ पर एक सिंगल एक्स बचेगा ओके, यानी सिंगल वाई और नीचे सिंगल एक्स यानी कि वाई बाय एक्स, तो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमने बच्चों रिजल्ट प्रूव करना था ओके बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको देखो बच्चों देख लीजिए केयरफुली, हाँ जी तो नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स विच इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स के, जो हमने प्रूव करना है रिजल्ट, द इक्वेशन द गिवन इक्वेशन में बी रिटन एज, देखिए इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई विच इज इक्वल टू बच्चे प्लस का है तो राइट हैंड जाके माइनस हो जाएगा माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर वन नाम देंगे इसका। अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, हाँ जी एक्स स्केयर और एक्स स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा माइनस का वाई तो बच्चों प्लस का वाई हो जाएगा वाई स्केयर और स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा वन प्लस एक्स स्केयरिंग बोथ साइड, हाँ जी अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर प्लस यहाँ तक एक्स स्केयर मतलब एक्स स्केयर और वाई स्केयर मतलब वाई स्केयर, यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड तो माइनस का बन जाएगा प्लस, अब यहाँ एक्स स्केयर वाई और इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा एक्स वाई स्केयर, यहाँ बच गया राइट हैंड जीरो ओके, क्योंकि तो लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड चलेगा तो राइट हैंड क्या बच गया जीरो। अब याद रखिए एक्स इसको फैक्टर करेंगे यहाँ पर फैक्टर करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस हो जाएगा यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ से कॉमन ले लिया एक्स वाई यहाँ तो लास्ट टर्म से कॉमन ले लिया एक्स वाई तो अंदर आएगा एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ सभी से कॉमन क्या है यहाँ से फैक्टर है एक्स माइनस वाई इंटू यहाँ एक्स बच्चे हमारे पास क्या आएगा एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई और यहाँ आएगा प्लस एक्स वाई विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ बच्चों जब इस साइड जाएगा एक्स माइनस वाई तो क्या बन जाएगा जीरो ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई
वाई ये गिवन बच्चों यहां पर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई मींस कि एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि बच्चों जब ये साइड आएगा देखिए एक्स जब ये आएगा लेफ्ट हैंड तो माइनस का बन जाएगा वाई और यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू का साइन है जीरो, यानी कि एक्स माइनस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये गिवन है बच्चों यहाँ पर ये रिजल्ट आपका ओके। हाँ जी, तो यहाँ देखिए सबसे पहले वाई हमने यहाँ से कॉमन लेना वाई, ओके यहाँ से वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर आया आपके पास, हाँ जी वाई कॉमन लेने से यहाँ तो हम यहाँ कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से आपके पास वाई कॉमन आया तो यहाँ पर आएगा वन प्लस एक्स और बच्चों माइनस का हो जाएगा राइट एक्स, ओके बच्चों तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स हो जाएगा, ओके बच्चों यहाँ एक बार फिर बता रहे हैं यहाँ से कॉमन लिया यानी कि जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तो लास्ट टू टर्म आपके सेकंड और थर्ड टर्म से क्या कॉमन लिया वाई कॉमन लिया अंदर आएगा वन प्लस एक्स विच इज इक्वल टू ये प्लस एक्स है राइट जाके माइनस एक्स हो जाएगा तो वाई मल्टीप्लाई किया बच्चों वाई के वाई इंटू में वन प्लस एक्स राइट जाके डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस एक्स था माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स, ओके बच्चों अब निकालना डायरेक्टली निकालेंगे यहाँ पर वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर यू बाई फोर प्लस जाएगी क्यूसेंट फोर प्लस जाएगी, ओके वी का स्केयर वी मीन्स क्या है वन प्लस एक्स का स्केयर, ओके तो वी एच डी डायरेक्ट ऑफ यू माइनस अब यू एच डी डायरेक्ट ऑफ वी, ओके यू बाई फोर अप्लाई कर यहाँ पर हमने कर लिया इसको सिंपलीफाई करेंगे जैसे वन प्लस एक्स माइनस एक्स 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 कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ माइनस क्या कॉमन है तो माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स का स्केयर, ओके विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही बच्चों ने रिजल्ट ना प्रूव करना था, ओके बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर स्टेटमेंट क्या इफ वाई इज इक्वल टू दिस, ओके यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स एंड सो ऑन इनफिनिटी टाइम तक जा रहा है यहाँ पर, ओके तो देन सो दैट डिवाइड एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई वन माइनस टू वाई, तो वी हैव वाई इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स एंड सो ऑन इनफिनिटी टाइम तक यहाँ पर जा रहा है तो वाई इक्वल टू अंडर रूट कोस एक्स बच्चों यहाँ तो अंडर रूट बार बार वही चल रहा है इसका ये वैल्यू सारी क्या वाई इक्वल है विच इज इक्वल टू वाई, देखो बच्चो इसको इन्फिनिटी में जाकर इसको कितना टाइम लिखो और इन्फिनिटी भी रहेगा यहाँ पर एक वैल्यू लिखने के बाद अंडर रूट एक्स फिर दोबारा वही सेम स्टेटमेंट चल रही है यानी कि वाई की वैल्यू रिपीट हो रही है तो यहाँ पर कहेंगे अंडर रूट एक्स अंडर रूट कोस एक्स प्लस और ये वैल्यू किसकी है यहाँ पर ये वैल्यू पूरी पूरी वैल्यू किसकी है ये वाई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर ओके इस वाई की इक्वल है तो यहाँ पर ये सारी क्या वाई की इक्वल है ओके तो प्लस वाई ओके इस हिसाब से क्या पुट करेंगे वाई क्योंकि ये गिवन है इज इक्वल टू वाई के, हाँ जी यहाँ पर स्केयरिंग बहुत सारे करेंगे वाई स्केयर और स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, हाँ जी जब यहाँ वाई को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस का हो जाएगा वाई यानी कि वाई स्केयर माइनस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, अब करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ जी वाई स्केयर का डी वाई वाई स्केयर का टू वाई वाई स्केयर का टू वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस को तब माइनस साइन एक्स, ओके अब यहाँ से कॉमन ले लिया हाँ जी डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा टू वाई माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स तो डिवाइड डी एक्स ये मल्टीप्लाई बच्चों राइट जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा साइन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई यहाँ बच्चों देखो टू वाई माइनस वन है यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस का बन जाएगा प्लस वाला माइनस का बन जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो वन माइनस टू वाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास साइन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टू वाई विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये बच्चों ने रिजल्ट अपना प्रूव करना था बच्चों इस प्रकार से अपना क्वेश्चन प्रूव करेंगे, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव इफ वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्रूव दैट वाई स्केयर प्लस डी वाई डी एक्स का स्केयर विच इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ने प्रूव करना पड़ेगा रिजल्ट, ये तो वी हैव y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स देखो डायरेक्ट निकाले बच्चों इसका डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन को तब से कोस एक्स और कोस होता है माइनस ओके बच्चों साइन एक्स माइनस को जाएगा बी साइन एक्स, अब लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करना बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड के प्रूव करना है y का स्केयर y तो हमारे पास गिवन है और डायरेक्टिव हमने निकाल लिया बच्चों यहाँ पर तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ओके जो कि राइट हैंड साइड की लानी चाहिए, हाँ जी देखते हैं बच्चों वैल्यू पुट करके y के वैल्यू पुट के ऊपर देखे y क्या है a sin x plus b cos x, अब dy dx के वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे निकाले जस्ट हमने a cos x minus b sin x दोनों पर स्केयरिंग है देखो y का भी स्केयर है और डायरेक्टिव का भी स्केयर बच्चों तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है a square plus b square plus 2ab यहाँ भी a square b square minus 2ab प्लस माइनस वाली बच्चों कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आएगा ए स्केयर यहाँ से कॉमन है हाँ जी इंटू ए साइन स्केयर एक्स और यहाँ से बी स्केयर कॉमन है कोस स्केयर एक्स, अब यहाँ से बी स्केयर कॉमन ले लो बच्चों तो कोस स्केयर एक्स और बच्चों यहाँ से प्लस साइन स्केयर एक्स तो यहाँ पर आपको पता बच्चों एज यू नो दैट कि साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स की वैल्यू क्या होती है तो ए स्केयर उनका ए स्केयर और बी स्केयर इसकी वैल्यू बच्चों वन होती है बी स्केयर उनका बी स्केयर दैट इज यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों ओके इस प्रकार हम अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे, अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव के टू पार्ट बच्चों पार्ट नंबर वन अभी जस्ट प्रूव किया आप लेते हैं पार्ट नंबर टू नाउ टेक पार्ट नंबर टू ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ
इफ एक्स साइन इंटू ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस इंटू ए प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन गिवन बच्चों, देन थ्रू दैट डेरिवेटिव हमने प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन ए, वी हैव इक्वेशन क्या है एक्स साइन इंटू ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस इंटू ए प्लस वाई इक्वेशन गिवन है विच इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, यहाँ से एक्स के वैल्यू निकालें बच्चों, एक्स के वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो बच्चे यहाँ माइनस को जाएगा, राइट जाएगा माइनस का साइन ए कोस इंटू ए प्लस वाई और ये मल्टीप्लाई एक्स के साथ बच्चों साइन इंटू ए प्लस वाई जो कि डिवाइड हो जाएगा राइट साइड जाने पर। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट निकालना विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना बच्चों, एक्स नहीं निकालना यहाँ पर, इसमें हमने जो डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई किया जाएगा, वी हैव तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जाए डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। तो हाँ जी, एक्स का डायरेक्ट निकालना है और वो भी विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना आपकी बात, तो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा बच्चों, विच इज इक्वल टू यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्मुला जाएगी यू बाई वी फॉर्मुला चाहिए यहाँ पर, वी का स्केयर वी एज डी डायरेक्टिव ऑफ यू माइनस अब क्या है यू एज डी जो डायरेक्टिव वी वाली प्रॉपर्टी ने यहाँ पर ये फॉर्मुला अप्लाई रूल अप्लाई कर लिया यू बाई वी फोर वाला बच्चों आपको पता है ओके। अब इसको सिंप्लीफाई क्या, इसको सिंप्लीफाई अब हाँ जी, जैसे साइन ए हम बताते हैं साइन ए और यहाँ पर साइन स्केयर देखो साइन ए प्लस वाई ए प्लस वाई तो बच्चों क्या बन जाएगा साइन स्केयर हो जाएगा ओके, तो क्या बन जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, माइनस है बच्चों यहाँ बार माइनस तो माइनस माइनस की जो मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगी और क्या है साइन ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई तो स्केयर बन जाएगा यानी कि साइन स्केयर ए प्लस वाई प्लस। अब यहाँ देख सकते हो सबसे पहले अब यहाँ माइनस वाले जो ब्रैकेट है बच्चे यहाँ पर हम ब्रैकेट देखो ये माइनस वाले जो बाहर ब्रैकेट है ये दोनों पर इस टर्म के ऊपर भी उस टर्म के ऊपर है जब ब्रैकेट ओपन करें बच्चों तो यहाँ भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा ओके, दोनों टर्म प्लस बन जाएगी साइन ए और बच्चों दोनों क्या सेम नंबर है तो साइन स्केयर बन जाएगा कोस स्केयर बन जाएगा ओके, कोस ए प्लस वाई मल्टीप्लाई कोस ए प्लस वाई तो कोस स्केयर ए प्लस वाई हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर आप ए वी का स्केयर था वी भी साइन स्केयर ए प्लस वाई। हाँ, इसको सिंप्लीफाई बच्चे यहाँ से साइन ए बच्चा देखो साइन स्केयर ए प्लस वाई। हाँ जी, अब जैसा कि आपने किया है साइन स्केयर ए प्लस वाई प्लस यहाँ भी साइन है साइन ए कॉमन ले लिया दोनों टर्म से फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म तो यहाँ से दोनों टर्म में क्या कॉमन है साइन ए कॉमन है बाहर तो साइन स्केयर ए प्लस वाई प्लस कोस स्केयर ए प्लस वाई यानी कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस थीटा ये रिलेशन होता है जो कि वन के इक्वल होता है बच्चों डिवाइड बाई साइन स्केयर ए प्लस वाई तो साइन ए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी थीटा साइंस के थीटा प्लस कोर्स के थीटा थीटा मीन क्या पर ए प्लस वाई बच्चों ये एंगल है ओके साइन कोस का। हाँ जी, तो साइन ए मल्टीप्लाई वन हो जाएगा डिवाइड बाय साइंस के ए प्लस वाई बच्चों ये वैल्यू है आपकी क्या है ये आपका डी एक्स बाई डी वाई है हमने क्या निकालना हमने प्रूव करना डी वाई डी एक्स यानी इस तरह टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड ओके बच्चों हमने बोथ साइड क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इन टर्म को उल्टना पड़ेगा ओके, तो रिवर्सिंग ऑर्डर में उल्ट जाएंगे रेसिप्रोकल कर लिया यानी कि उल्ट लिया उनको ओके, तो यहाँ पर जो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड आप हो जाएगा साइन स्केयर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए यहाँ देखिए बच्चों साइन स्केयर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए ओके विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ओके कुछ फॉर्मूला रिजल्ट प्रूव करेंगे। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ एक्स वाई लॉग इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन प्रूव दैट डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस वाई लॉग इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वाई प्लस इंटू एक्स प्लस वाई लॉग इंटू एक्स प्लस वाई ये हमने बच्चों प्रूव करना है। वी हैव हाँ जी गिवन के एक्स वाई log into x plus y is equal to 1 so differentiating both sides with respect to x we get x y yani bachcho sabse u y v formula yahan par u v formula jayegi product formula yahan par lag jayegi haan ji ye first function rahega aapka x y aur ye log into x plus y ye aapka second function consider kiya jayega haan ji x y first function is okay derivative second function ye aapka bachcho x y first function consider karenge aur log into x plus y ko second function consider karenge yani ki isko u mane isko v mane bachcho okay to u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u is prakar se isko हाँ जी, और यहाँ पर जो v यहाँ देखो u u का डायरेक्टिव क्या है जब निकालेंगे x y यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म लग जाएगी ओके प्रोडक्ट फॉर्म लग यहाँ पर यानी कि यहाँ सबसे पहले देखो हमें डायरेक्टिव का निकालना है सबसे पहले जब डायरेक्टिव यहाँ निकालेंगे y ओके बच्चों इसका सिंपलीफाई इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले एक बार फिर देखिए यहाँ पर एक्स वाई हाँ जी डायरेक्टिव क्या है यहाँ देखो यू एज इट इज डायरेक्टिव ऑफ v प्लस फिर क्या है v एज इट इज हाँ जी यहाँ देखेंगे इसका इसका x log into x plus y ओके यहाँ पर तीन फंक्शन का जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं ओके तो हमने इकट्ठी कमाई यहाँ पर कर ली x y वे डेरिवेटिव y प्लस y log into x plus y वे डेरिवेटिव x ओके बच्चों इनके डेरिवेटिव ये जो हमने फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर आपको सिखाया था एक बार लगेंगे u v w ओके बच्चों यहाँ पर u v w ओके हमने साथ में एक्सपेंड कर लिया उसको u v w की फॉर्म में जनरलाइज हमने किया था आप देखना बच्चों। हाँ जी लास्ट वीडियो में यहाँ पर हुआ था आपको एक्स वाई इंटू वन बाई एक्स प्लस वाई हाँ जी फिर डेरिवेटिव क्या एक्स वाई प्लस एक्स इंटू लोग इंटू एक्स प्लस वाई फिर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई लोग इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स डायरेक्टिव कहता है वन इज इक्वल टू जीरो ओके बच्चों क्योंकि राइट साइड कॉन्स्टेंट था कॉन्स्टेंट डायरेक्टिव कहता जीरो होता है। हाँ जी एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस अब यहाँ देख रहे बच्चों
एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू यानी कि वन प्लस, हाँ जी वन प्लस क्या है डी वाई डी एक्स, वन प्लस क्या है कि हमने यहाँ से कॉमन ले लिया बच्चों, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा वन प्लस डी वाई डी एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ भी आपके पास वही सेम कंडीशन वाली जो टर्म यहाँ पर दी गई है एक्स प्लस वाई फिर एक्स, हाँ जी लॉग इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स प्लस फिर वाई लॉग इंटू एक्स प्लस वाई ओके इक्वल टू जीरो। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे बच्चों एक्स वाई डिवाइड एक्स प्लस वाई प्लस, हाँ जी इसको सिंप्लीफाई किया हमने यहाँ पर डिवाइड एक्स में से कॉमन लेना है, डिवाइड एक्स आपको कॉमन लेंगे एक तो आपके पास क्या यहाँ से कॉमन आएगा मल्टीप्लाई किया, एक आपके पास यहाँ डिवाइड एक्स बच्चों दोनों से कॉमन ले लेंगे, हाँ जी एक्स वाई डिवाइड एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई क्योंकि यहाँ पर डिवाइड एक्स बच्चों दोनों टर्मों में डिवाइड एक्स है दोनों टर्मों से डिवाइड एक्स कॉमन ले लिया इज इक्वल टू जिसमें डिवाइड एक्स नहीं है बच्चों उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे ओके। जैसे एक्स वाई डिवाइड एक्स प्लस वाई को वन से मल्टीप्लाई किया करेंगे यहाँ पर तो ओके बच्चों एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई आएगा जो कि माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड पर प्लस उसको फिर यहाँ देखें बच्चों वाई वाई क्या है वाई लॉग एक्स प्लस वाई यहाँ पर कोई इसमें भी आपके पास नहीं है बच्चों ओके तो ये भी माइनस को जाएगा दोनों में माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे यहाँ से ओके 95 बाहर ले लेंगे। अब यहाँ तक बच्चों ये जो मल्टीप्लाई है डिवाइडेशन ये राइट में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ओके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइडिंग आफ्टर सिंपलीफाई क्या इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उस चीज रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका आएगा ओके इसको सिंपलीफाई कर लेना सिंपलीफाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा आफ्टर सिंपलीफाई बी कैट का रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इफ वाई अंडरूट एक्स के प्लस वन विच इज इक्वल टू लॉग इनटू अंडरूट एक्स के प्लस वन माइनस एक्स देन प्रूव दैट एक्स के प्लस वन डिवाइड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रिजल्ट प्रूव करना बच्चों। तो गिवन क्या है गिवन इक्वेशन क्या है इंप्लिसिट इक्वेशन हमारे पास दी गई बच्चों वाई अंडरूट एक्स के प्लस वाई विच इज इक्वल टू लॉग इनटू अंडरूट एक्स के प्लस वन माइनस एक्स इसका डायरेक्टिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर बच्चों यूवी फोर प्लस आएगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डायरेक्टिव साइड फंक्शन प्लस सब साइड एज इट इज डायरेक्टिव फर्स्ट फंक्शन ओके बच्चों यहाँ पर लोग वाला फॉर्मूला जाएगा वन बाय दो फंक्शन बच्चों फिर फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पर करेंगे ओके डायरेक्टली तक इन फंक्शन यहाँ देखो टू से टू कैंसिल आपका बच्चों हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई और डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और यहाँ बच्चों डायरेक्ट करेंगे रूट का वन बाय टू और रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन का डायरेक्ट रहेगा टू एक्स और बच्चों माइनस एक्स का डायरेक्ट रहेगा वन ओके बच्चों हाँ जी एक्स वाई डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और बच्चों सिंपली इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हाँ जी एक्स माइनस अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा कुछ यहाँ से माइनस को मिलेंगे तो कैंसिल आ जाएगा ओके तो माइनस माइनस वन बाय अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से अगर मैं माइनस को मिलूँ तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस को मिलने से और यहाँ माइनस वन बाय अंडरूट नीचे बचेगा एक्स अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओके तो एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन को ओके आप क्या करेंगे बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बहुत सारे अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वन से तो अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वन से अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई प्लस बच्चों यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एक्स के प्लस वन डिवाइड डी एक्स और बच्चों यहाँ पर अंडरूट एक्स के प्लस वन से अंडरूट एक्स के प्लस वन कैंसिल हो जाएगा माइनस वन आएगा कैंसिल होने पर ओके तो एक्स के प्लस वन यहाँ तो एक्स के प्लस वन डिवाइड डी एक्स प्लस एक्स वाई और जो राइट हैंड माइनस वन का जो लेफ्ट हैंड आएगा तो प्लस का वन हो जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो राइट हैंड साइड क्या आएगा जीरो आएगा चीज रिक्वायर्ड रिजल्ट ये बच्चों ने रिजल्ट अपना प्रूव करना था ओके। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 8 तो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 इफ टेन इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए देन प्रूव दैट डिवाइड एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस टेन ए डिवाइड बाय वाई इंटू वन प्लस टेन ए ये प्रूव कर रहा रिजल्ट बच्चों तो वी हैव गिवन इक्वेशन क्या है टेन इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए तो यहाँ से भी टेन इनवर्स राइट हैंड साइड तो बन जाएगा टेन ए ओके एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों सबसे पहले सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया टेन ए से और प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें टेन ए से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर टेन ए प्लस वाई स्क्वायर वाई वाले बच्चों क्या करेंगे कंबाइन करेंगे वन साइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और एक्स वाला वेरिएबल वाला जो बच्चों उसको करेंगे राइट हैंड साइड ओके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टेन हो जाएगा माइनस को जाएगा बच्चों राइट हैंड जाएगा तो अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट हाँ जी वाई स्क्वायर बच्चों क्या था टू वाई डी वाई डी एक्स टेन ए कॉन्स्टेंट है बच्चों तो एडिशन लिखा जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर के साथ ओके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कोएफिशिएंट टेन ए प्लस y स्क्वायर का 2y y का डिवाइड x इज इक्वल टू x स्क्वायर का 2x माइनस x स्क्वायर का 2x और मल्टीप्लाई किया 10a ओके क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ 10a
कोफिशिएंट का एक्स के वेरिएबल का एक्स स्क्वायर क्या 10 है तो 2x 10 हो जाएगा। ओके यहां से देखो 2y डिवाइड इस कॉमन ले लिया अंदर क्या आएगा बच्चों यहां पर 1 आएगा प्लस 10a व्हिच इज इक्वल टू यहां 2x को बनाएगा 1 माइनस 10a बच्चों क्या करेंगे डिवाइड dx अब ये मल्टीप्लाई तो हां जी डिवाइड dx के साथ का मल्टीप्लाई 2y * 1 + 10 तो राइट हैंड साइड क्या होता है डिवाइड हो जाएगा। हां जी यहां देखो बच्चों तो 2x * 1 - 10 / 2y * 1 + 10a 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों हमारे पास रिजल्ट आएगा x * 1 - 10 / y * 1 + 10a ओके व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमने बच्चों अपना रिजल्ट प्रूव करना था ओके आप यहां देख सकते हैं रिजल्ट हमने प्रूव करना था जो कि रिजल्ट हमें गेट हो गया बच्चों। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे यू मस्ट बोर एट अबाउट प्रैक्टिस टू लर्न दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओके बच्चों थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे अगेन।